नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं लेसन 9, अध्याय 9। हम कन्नड़ा में कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इंता या फिर किंता। ये इंग्लिश में कंपैरेटिव सफिक्सेस बोला जाता है। ये हम किसी शब्द के अंत में प्रयोग करते हैं। इन शब्द का प्रयोग हम जब वाक्या में करते हैं तब कैसे लगेगा और इसका अनुवाद हिंदी में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यार गिनता, तो इसका अनुवाद होगा किसी से। लाइक हम बोलते हैं ये किसी से कम नहीं, युवरु यार गिनता कमी इल्ला। ये सब लोग यार किसी से भी कम नहीं, ये एल्ला जन यार गिनतलु कड़मे इल्ला। यहाँ पे देखिए यावद किंता, ये हो गया यारी गिनता, और ये होगा यावद किंता और यावदु किंता। तो उसका अनुवाद हिंदी में होगा कौन से, ठीक है। ये हम जब वाक्या में देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यल्लर गिनता सबसे। तो यहाँ पे देखिए, कन्नड़ा में हम चार अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि यारिगिंता, यावदकिंता, यल्लरिगिंता, यल्लदकिंता। पर जब हम हिंदी में देखेंगे तो यारिगिंता का अनुवाद होगा किसी से, यावदकिंता का अनुवाद होगा कौन से, यल्लरिगिंता का अनुवाद होगा सबसे, और यल्लदकिंता का अनुवाद भी होगा सबसे। यहाँ पे हम किसी व्यक्ति को जब दूसरे लोगों से संबोधित कर रहे हैं या फिर तालमेल कर रहे हैं या फिर कंपेयर कर रहे हैं तो यारी गिनता होगा। ये यावदु किंता, ये किसी हम वस्तु को दूसरे वस्तु से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तुम्हारे कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का या फिर लड़की या फिर विद्यार्थी कौन है। तुम्हारे कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का या फिर लड़की या फिर विद्यार्थी कौन है। तो तुम्हारे का अनुवाद हो गया निम्मा, कक्षा का अनुवाद हो गया तरगति, में का अनुवाद हो गया अल्ली, कक्षा में तरगति अल्ली, सबसे यल्लरिगिंता बुद्धिमान बुद्धिवंता, लड़का हुड़गा या फिर लड़की हुड़गी या फिर विद्यार्थी विद्यार्थी कौन, इसका अनुवाद है यारो, है शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पे देखिए, तुम्हारे कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का या फिर लड़की या फिर विद्यार्थी कौन है। निम्मा तरगतियल्ली एल्लरिगिंता बुद्धिवंत हुड़ग अथवा हुड़गी अथवा विद्यार्थी यारु, ऐसे अनुवाद होगा। तो यहाँ पे यल्लरिगिंता जब हम किसी विद्यार्थी को या फिर किसी लड़के को या फिर किसी लड़की को किसी अन्य लड़का लड़की या विद्यार्थी को कंपेयर कर रहे हैं या फिर तालमेल कर रहे हैं तो तब यल्लरिगिंता शब्द का प्रयोग होगा। उसका अनुवाद हिंदी में होगा सिर्फ सबसे। तो यहाँ पे देखिए, हम एक पर्वत को एक अन्य वस्तु को हम संबोधित कर रहे हैं किसी दूसरे वस्तु से जब हम उसको कंपेयर करते हैं या फिर तालमेल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माउंट एवरेस्ट वो एक पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, तो इसे हम दूसरे पर्वतों से कंपेयर कर रहे हैं या फिर तालमेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत इस धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, माउंट एवरेस्ट पर्वत, इसका अनुवाद कन्नड़ा में होगा पर्वत वू इस धरती पर, इस का अनुवाद होगा ई, और या फिर ये ऐसा भी हो सकता है ये धरती पर, तो इसका अनुवाद होगा ई धरती पर, भूमि अल्ली, धरती को हम भूमि कहते हैं, ई भूमि अल्ली सबसे, तो इसका अनुवाद देखिए यल्लद किंता। यहाँ पे हम यल्लरिगिंता का शब्द का प्रयोग किया है, पर यहाँ पे हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के समूहों से कंपेयर कर रहे हैं या फिर तालमेल कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम एक वस्तु को दूसरे उसी प्रजाति के वस्तु को हम
ತಾಳ್ಮೇಲ್ ಕರ್ ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಕರೆ ದೇಖೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಊಂಚ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ್ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಆರ್ ಬೆಟ್ಟ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟ ಭೀ ಕೇ ಸಕತೆ ಹೇ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅನುವಾದ ಯಾ ಫಿರ್ ಹೇ ಶಬ್ದ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಹಮ್ ನಹಿ ಕರ್ತೆ ಹೇ ತೋ ಯಹಾಂ ಪೆ ದೇಖಿಯೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಇಸ್ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಸಬ್ಸೆ ಊಂಚಾ ಪರ್ವತ ಹೇ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಯಾ ಫಿರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಚಲೇ ಆಗೇ ಬರ್ತೆ ಹೇ ಯಹಾಂ ಪೆ ದೇಖಿಯೆ ಆಮ್ ಸಬ್ಸೆ ಮೀಠಾ ಫಲ್ ಹೇ आम सबसे मीठा फल है। आम इसका अनुवाद है माविना। हमने देखा है कि हम किसी भी फल को संबोधित करते हैं तो उस फल के नाम के बाद हम हन्नू शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हन्नू शब्द का प्रयोग किया है। और किसी सब्जी को हम जब संबोधित करते हैं तो उस सब्जी का नाम और उसके आगे काई लगा देते हैं। पर ये हर किसी फल या फिर हर किसी सब्जी को नहीं लागू होता है, पर ज़्यादातर सब्जी या फिर ज़्यादातर फल को हम ऐसे ही बुलाते हैं। तो देखिए आम इसका अनुवाद है मामिना, हन्नु सबसे इसका अनुवाद है यल्लदकिंता, जैसे कि हमने देखा ये अन्य जीवी है या फिर इसमें इस वस्तु में जीव नहीं है तो इसे हम यल्लदकिंता यारी गिनता ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी कोई लोग है या फिर लड़का लड़की विद्यार्थी दोस्त है तो उसको हम ಎಲ್ಲರಿ ಗಿಂತ ಸಂಬೋಧಿತ ಕರ್ತೆ ಕಿಸಿ ಔರ್ ವಸ್ತುವೋಕೊ ಹಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬೋಧಿತ ಕರ್ತೆ ಸಬ್ಸೆ ಮೀಠಾ, ಮೀಠಾ ಕಾ ಅನುವಾದ ಹೇ ಸಿಹಿ, ಮೀಠಾ ಕಾ ಅನುವಾದ ಹೇ ಸಿಹಿಯಾದ, ಸಿಹಿ ಉಸ್ ಮೀಠಾ ಸಿಹಿಯಾದ ಫಲ್ ಹಣ್ಣು ಹೇ ಇಸ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ಯಹಾಂ ಪೆ ಐಸಾ ಹೋಗಾ ಆಮ್ ಸಬ್ಸೆ ಮೀಠಾ ಫಲ್ ಹೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು अथवा यल्लदकिंता सिही हण्णु आप ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अंगूर सब फलों से छोटा फल है, तो अंगूर इसका अनुवाद है द्राक्षे, इसको आप ग्रेप्स भी बोल सकते हो। तो ग्रेप्स सब फलों से यल्ला हण्णुगळिगिंता सब फलों से छोटा चिक्कदु फल या फिर हण्णु चिक्कदु हण्णु या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो अंगूर सब फलों से छोटा फल है, द्राक्षे एल्ल हण्णुगळिगिंत चिक्कदु हण्णु या फिर द्राक्षे हण्णु एल्लदक्किंत चिक्कदु। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप वन टू वन ट्रांसलेशन कर लीजिए वो आपको थोड़ा ईजी होगा। तो यहाँ पे देखिए अंगूर इसका अनुवाद है द्राक्षे, पर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हम द्राक्षे हण्णु ये नहीं कह रहे हैं, कि जैसे कि मैंने बोला ये सब फल को अनुवाद नहीं होता है, पर आप द्राक्षे हण्णु भी कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो अंगूर द्राक्षे सब यल्ला फलों से हण्णुगळिगिंता छोटा चिक्कदु है शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, चिक्कदु हण्णु आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला वाक्य, परिवार के साथ बिताए हुए पल सबसे ज़्यादा खुशी देता है, तो उसका अनुवाद होगा परिवार, तो हम परिवार भी बोल सकते हैं पर हम ज़्यादातर कुटुंबा बोलते हैं, कुटुंबा द परिवार के कुटुंबा दे कुटुंबा द साथ उसका अनुवाद है जोते, बिताए उसका अनुवाद है कलेदा बिताए हुए उसका अनुवाद है कलेदा पल क्षणगळु या फिर क्षण हम बोलते हैं क्षणगळु सबसे ज़्यादा एल्लदक्किंत खुशी ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಬ್ಸೆ ಜಾದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಯಾಫಿರ್ ಖುಷಿ ಯಾಫಿರ್ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದೇತಾ ಹೇ ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ತೋ ಯಹಾಂ ಪೆ ದೇಖಿಯೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಆಪ್ ಐಸೆ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ ಯಾಫಿರ್ ಪರಿವಾರ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬಿತಾಯೆ ಹುವೆ ಪಲ್ ಸಬ್ಸೆ ಜಾದ ಖುಷಿ ದೇತಾ ಹೇ या फिर सब फलों से ज़्यादा खुशी देता है, तो आप ऐसे कह सकते हो कुटुंबद जोते कळेद क्षणगळु एल्ला क्षणगळिगिंत जास्ति संतोषवन्नु कोडुत्तदे या फिर आप कुटुंबद जोते कळेद क्षणगळु एल्लदक्किंत जास्ति संतोषवन्नु कोडुत्तदे। तो यहाँ पे देखिए किसान का काम सबसे मेहनत वाला काम है या फिर किसान का काम बाकी सब काम से ज़्यादा मेहनती होती है या फिर होता है,
तो यहाँ पे देखिए किसान, इसको हम रायता बोलते हैं, रायता, ये रायता नहीं है, ये रई रई है, राय नहीं है, रई है। रायता न किसान का, रैतना काम, केलसा केलसा सबसे, यल्लदकिंता मेहनत वाला कष्टवादा काम केलसा है, शब्द का प्रयोग नहीं है। या फिर यहाँ पे देखिए किसान का काम बाकी सब काम से ज्यादा मेहनती होती है या फिर होता है। किसान रैता का न, तो किसान का रैतना काम केलसा बाकी इतरे सब यल्ला काम से केलसगलिंता कष्ट होती है, इस या फिर होता है, इस शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो किसान का काम सबसे मेहनती वाला काम है, रैतन केलसा यल्लदकिंत कष्टवाद केलसा, किसान का काम बाकी सब काम से ज्यादा मेहनती होती है, रैतन केलसा इतर एल्ला केलसगलिंत कष्टवागिरुत्तदे या फिर कष्ट, ऐसे आप बोल सकते हो। हमारे गांव के रास्ते बाकी सभी गांव के रास्तों से ज्यादा चौड़ा और लंबा है। तो इसका अनुवाद देखिए, हमारे नम्मा गांव ऊरीना रास्ते रस्तेगळु बाकी इतरे सभी गांव के, गांव इसका अनुवाद है ऊरीना रास्तों से, रस्तेगळिगिंता ज्यादा तुम्बा चौड़ा अगला चौड़ा अगला और लंबा और मत्तु लंबा उद्दा है इदे, यहाँ पे आप इदे शब्द का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर रहे हो, एक को किसी और इससे तालमेल कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए हमारे गांव के रास्ते बाकी सभी गांव के रास्तों से ज्यादा चौड़ा और लंबा है। नम्मा ऊरीना रस्तेगळु इतरे ऊरीना रस्तेगळिगिंता या फिर इतरे, सभी को आप यहाँ यल्ला डाल सकते हो, इतरे यल्ला ऊरीना रस्तेगळिगिंता तुम्बा अगला मत्तु तुम्बा उद्द विदे या फिर तुम्बा उद्द इदे, आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, तुम्हारा तबीयत कैसा है, तो आप उत्तर दे रहे हो परवाह नहीं या फिर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं या फिर ठीक है, तो आप ऐसे बोल रहे हो। इसका अनुवाद कन्नड़ में होगा, तुम्हारा निम्मा तबियत आरोग्य कैसा हेगिदे, कैसा है हेगिदे, परवा नहीं परवा गिल्ला या फिर कोई बात नहीं, परवा नहीं या फिर कोई बात नहीं, इसका हम बोलेंगे परवा गिल्ला। फिर हम बोलेंगे चन्नागिदे या फिर ठीक है चन्नागिदे। तो यहाँ पे देखिए, तुम्हारा तबियत कैसा है, तो आप बोल रहे हो परवा नहीं ठीक है या फिर कोई बात नहीं ठीक है। तो यहाँ पे आप पूछ रहे हो निम्मा आरोग्य हेगिदे, तो आप उत्तर देंगे परवागिल्ला चेन्नागिदे, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, माफ कीजिए मैंने तुम्हारे पाँव गलती से कुचल दिए, तो आप बोलोगे परवा नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, माफ कीजिए क्षमिसी या फिर क्षमा कीजिए क्षमिसी, मैंने नानु तुम्हारे निम्मा पाँव कालन्नु गलती से तप्पी, गलती तप्पु गलती से तप्पी कुचल दिए मिट्टी देने, कुचलना मिट्टुवुदु कुचल दिए मिट्टी देने या फिर मिट्टी दे, तो आप बोलोगे परवा नहीं परवागिल्ला या फिर कोई बात नहीं इनु समस्या इल्ला या फिर नो प्रॉब्लम, ऐसे जब हम इंग्लिश में बोलेंगे नो प्रॉब्लम तो इनु समस्या इल्ला या फिर परवागिल्ला दैट्स ओके आप बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, माफ कीजिए मैंने तुम्हारे पाँव गलती से कुचल दिए, तो उत्तर में होगा परवा नहीं कोई बात नहीं, तो हिंदी में होगा क्षमिसी, कन्नड़ा में हो गया क्षमिसी नानु निम्म कालनु तप्पी मिट्टी दे, तो आप बोलोगे परवागिल्ला इन्हें समस्या ला या फिर आप बोलोगे दैट्स ओके नो प्रॉब्लम या फिर नो इश्यूज। यहाँ पे देखिए कुछ अन्य शब्द, रेलवे स्टेशन हम उसको रेलवे निलदान बोलते हैं, निलधान निलधान, जहाज या फिर बोट, जहाज या फिर बोट को हम बोलेंगे हडगो या फिर धोनी, ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है ये धोनी है, धोनी न नहीं न नहीं है न है न न धोनी या फिर धोनी नहीं है धोनी है। समुद्र या फिर ओशन हम उसको बोलेंगे समुद्र समुद्र। धन्यवाद।
Click subscribe and the bell icon to get all the notifications from Kannada TV.